अभी यह शाम का मौसम और अभी थोड़ी सी गर्मी कम हुई है, लेकिन चिपचिपी वाली गर्मी अभी भी है। और ये देखो यहाँ पे लगाया हुआ है फैन नीचे, और इनको देखो चम्मच से खिलाया जा रहा है। एक बेटे, एक ये देखो मिट्टू ना नहीं पी रहा है, ये नहीं, सब ने पिया इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पिया, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी बात कभी टालते ही नहीं, अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेशुमार प्यार। इनकी माँ कुछ भी बोल दे वो ये सारा काम करते हैं, सारा काम करते हैं, होनहार बच्चे हैं ये। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। और कोई नया ताजा कोई गपशप हो? गपशप ये कि आज हमें नहाने के लिए हो गई थोड़ा लेट, अच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, सुबह में लग गई एक्सरसाइज की, फिर घर के काम किए, मेरे पास टाइम नहीं रह गया, तो फिर मैं अभी नहाई और अभी बाल नहीं सूखे हैं, तो बस फैन लगाए ये, इससे बाल भी सूखते रहेंगे और मच्छर भी नहीं खाएंगे हमें, और हम आराम से नेचर में बैठ। जरा अतिक आप अपनी तरफ भी लगा लो, क्या लगा लो घुमा के। अच्छा हाँ जी हाँ जी, अभी देखिए पतिदेव की तरफ भी देख लीजिए, अभी इन्होंने लगाया है फेस पैक जो कि मैंने बनाया है मुल्तानी मिट्टी से, क्यों बहुत इफेक्टिव होते हैं ना मेरे ये वाला, जो पैक होते हैं ना मुल्तानी मिट्टी वाले जो भी बनाते हैं अल्टीमेट होते हैं, बिल्कुल ना जो फेस है कि इतना ग्लो करता है, बाय गॉड इतनी ठंडक सी महसूस हो रही है ना, अल्टीमेट वाले हैं ये, तो मजा आ जाता है लगाने का। और फेस पे ना कोई भी झाइया दाग धब्बे नहीं रहते, जैसे मेरी स्किन क्लियर है ना, तो वैसे ही इनके लगी थी थोड़ी थोड़ी सी मतलब झाइया जैसे पड़ने लगी थी, तो मैंने इनको बोला मैं क्या डेली मैं लगाती हूँ कि फेस पैक आप उसको थोड़ा सा आप भी लगाना शुरू कर दीजिए, और इन्होंने मेरी बात मानी, और देखिए रिजल्ट अभी आपको दिखाएंगे, बहुत ही क्लीन हो जाती है इससे स्किन। नहीं सही बात है, जब आप किसी चीज की केयर करोगे ना, 20 मिनट तो सूखने दूंगा ढंग से। हाँ जी, जब किसी चीज की केयर की जाती है ना तो वो चमकती है। अभी हम बैठे हुए हैं बालकोनी में और अभी मतलब की टाइमिंग हो गई है, 10 बज गए हैं, ये देख सकते हो आप, अभी हमने खाना खा लिया है, और ये देखो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है इन दोनों को, माँ बेटी को। यार एडिटिंग के अलावा मोबाइल में और कुछ नहीं करती, और मैं एडिटिंग देख लीजिए कैसे मम्मा करती है, कोई जरूरत नहीं वो देखने की, ठीक है पढ़ाई पे फोकस, चलो उठो यहाँ से, चलो चलो हाँ चलो पढ़ पढ़ने बेटे, उठ जाओ बेशानी, चलो जल्दी करो बेटे, हाँ निकलो जल्दी कर जल्दी कर, हाँ मिठू चलो बेटे चलो, हाँ कोई हाँ कोई बात नहीं बेटे, चलो चलो निकलो अंदर रूम पे बैठो, मैं अभी आ रहे हैं, जल्दी किताबें निकालो अपनी अपनी। और अभी ना जो सोया वो नहीं होगा वो पढ़ेगा, और जो जो सो गया होगा वो सो जाएगा। हाँ बेटे आ रहे हैं ना, मैं चल वो खुद लगा दूंगी, तुम सो जल्दी कर दो फटाफट, जागा हुआ नजर आया वो पढ़ेगा। और इस टाइम देखो और अच्छा मतलब कि इस टाइम ना देखो मे बी 9:30 बज गए है ना, 9:34 हाँ, तो इस टाइम ना बाहर बैठ के ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बहुत अच्छा, और यहाँ पे ना सारे लोग सो गए हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे सामने, बस हम ही बैठे हुए हैं और हमारी हमारी आवाजें जा रही हैं आसपास, नहीं है अभी जाग गए हैं सारे, देखो लाइटें जली, लाइट तो जली हुई है ना, पर मैक्सिमम बंदे सो जाते हैं, पर जल्दी सो भी जाते हैं, तो चलो खाना बना लेते हैं जल्दी ना लोग और खा पी करके सो जाते हैं, हम लोग लेट हो जाते हैं रोज, वैसे मैं भी सोचती हूँ ऐसे डेली की 8 बजे खा पी करके सो जाएंगे। कल तो मैं ऐसे किया था, हाँ कल किया था, पर कल भी 8 बजे नहीं सो पाए थे, फिर भी हम 10 बज ही गए थे, तो वही आप तो कल से शानवी मिट्टू को पड़ गई है छुट्टियां ना, अब तो बड़ा मुश्किल है हर चीज। अरे प्रियंका जूस ये बताए मामी मम्मी प्रबंध करना, फिर बनाई तरफ लेते थे तो ऐसा टेस्ट जो करना भी क्या जो बानी, बानी करो, मेरी बानी इतना अच्छा डांस बनी, इतनी तारीफ कर दी पर बानी ने डांस नहीं किया, करो डांस दीदी भी कर दे, हां जी वो इतनी सेल करने चलाई हो फिरता है नाचने करो करो सावन करना।
अरे दिखाओ तो शानवी हटना तो मुझे देखने दे कैसी जैसी वाह 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 ये प्रियंके पानी ठोकी देते प्रियंका मुझे लगा तो पानी ठोकी था इससे ठहरो अब हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद बड़ा अच्छा स्वाद है हम बताएंगे थोड़ा सा भाई साहब बोल रहे हैं बहुत ही जबरदस्त बन गई है ये आइटम जो है ना बहुत जबरदस्त है जिससे रहनी मेरा मैं कहता क्या आपने बिठाया दोनों ने जाओ अंदर मां मैं भी ना आई नहीं करता मैं सेना से वाला एक एक पैन छोटा चिल्ली जाता भाई तीन मिनट जाने देखा ध्यान रखे भाई ये देखिए इसको पीने से थोड़ा थोड़ा जामुन का जूस है ये अरे कैम्ब्रिज दिख रही कितना जबरदस्त दिखी करा ये दिख जी देखी देखा देखा नहीं कसम से मतलब नहीं कैमरा में थोड़ा ज्यादा डार्क कलर का दिख रहा है क्योंकि ना ऊपर ये देखो ये लाइट ये पड़ रही है इस पे ऐसे मतलब लाइट कलर है इसका पर है टेस्टी है ना मम्मी शुगर के मरीज के नहीं अरे तेरे मतलब ना ऐसे केमिकल थे ना इस बड़ बारी फिर उसके बाद जी हाँ मतलब वॉश किते ना अपने नेचुरल के ना तो फिर बड़ी जॉइंट फैमिली की ना रौनक ही कुछ अलग ही होती है तो जब भी मैं मायके जाती हूँ ना तो इतनी रौनक होती है यहाँ पे मतलब दिल नहीं करता घर वापस जाने का लेकिन फिर शाम के टाइम ही हमें जाना पड़ता है भाई चाहे कुछ भी बोलो लेकिन अपना घर ससुराल ही होता है तो हमारे भी बुजुर्ग ना होने की वजह से फिर हमें उसी हिसाब से केयर करनी पड़ती है मतलब बुजुर्ग भी खुद ही बनना पड़ता है और घर के छोटे भी इसके बाद फिर जी टेस्टिंग चल पड़ी स्कूटी चलाने की और पहले मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती हूँ लेकिन मैंने पहले चलाई नहीं थी तो फिर मैंने नहीं मतलब होता ही है ना अभी सीखने में टाइम लगता है इस बार मैंने पतिदेव को बोल दिया कि देखो भाई अभी स्कूटी मेरे लिए आएगी ही आएगी क्योंकि मुझे भी सीखनी है और हर वक्त मैं मतलब पीछे ही बैठती हूँ तो अभी भी भाभी बोल रहे हैं आ जाओ दीदी वाला एक राइड पे चलते हैं मतलब थोड़ा सा फिर बैठ के मुझे ना मतलब इसने भी पहले किसी को पीछे बिठाया नहीं था ना तो इस वजह से फिर डिसबैलेंस हो रही थी और मुझे लग रहा था डर तो मैं क्या नहीं नहीं मैंने नहीं जाना हड्डियाँ टूट जाएंगी ऐसे बिना मतलब के बैलेंस हो जाए एड़ा कुछ नहीं होता यार नहीं 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 हिम्मत दिन बाद चलाई कर ना तब है एड़ा नहीं है स्कूटी आ रही है पीछे से स्कूटी आ रही बाबा आज ये गए हुए थे किसी फंक्शन में और वहाँ से लेकर के आए हैं ये देखिए ये चावल है मिठू एक मिनट चावल के साथ ये कद्दू का खट्टा है एक मिनट शानवी और साथ में ये कड़ी है सेपू बड़िया ये है सेपू बड़िया इसमें शायद ना ये पालक डाला हुआ तो हरा हरा दिखाई दे रहा है राजमा है और ये दाल है दाल मखनी उड़द की दाल और हम सब बैठ गए हैं यहाँ पे इसे खाने मिठू है चम्मच बेटा इसी से खा लो बेटा इतने दूर कहाँ जाना मिठू आ जाओ मैं भी हूँ और साथ में है बानी हेलो बानी उधर देखो हम सब खाएंगे इससे बानी बानी का मिठू पे ज़्यादा ध्यान रहता है मिठू के साथ इसकी ज़्यादा बनती है और ये लग गए फिर हम यहाँ पे इसे खाने में तो हम चल पड़े हैं अब खसरे खाने पिग अंजीर जो शानवी के लिए सूखे हुए जो शानवी वो जो मैं भिगोने के लिए डालती हूँ बस वैसे ही होते हैं ये देखिए हम सब चल पड़े हैं इवनिंग वॉक पे और खाएंगे जंगली फ्रूट्स क्यों भाई प्रियंका हमें आज जंगली फ्रूट खिलाने वाली है और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ने वाली हूँ और वाणी भी खाएगी क्यों वाणी है ना मैं भी चढ़ूंगी पेड़ के ऊपर जंगली फ्रूट खाएगी खाएगी हाँ जी खाएगी ये भी
मैं निकालने लग गई फिर यहाँ पे खसरे। पेड़ पे तो मैं नहीं चढ़ सकती थी क्योंकि मुझे ना इस पेड़ से एलर्जी होती है, और यहाँ पर भी मैं बच बच के, क्योंकि मेरे स्लीव्स भी हाफ ही थे, तो बड़े बच बच के निकाल रही थी। और अभी नहीं, किसी ने मतलब यहाँ से निकाल दिए थे, ख़त्म हो गए थे, तो नहीं था ऐसे। मम्मी ने बोला था कि भाई ऐसे ही पकड़ना तुम, ये जो टहनी है ना तो इसी से तुम्हारे गुजारा निकल जाएगा, पर यहाँ पे फिर ख़त्म हो गए थे। जैसे तैसे बच्चों को एक एक दो दो खिलाने के लिए फिर मैंने यहाँ से निकाले। हमने सोचा था खाई अरे अरे मिट्टू यहाँ पे थैला लेकर के आ गया था कि वे पता नहीं कितने सारे निकाल के लाएगी मम्मा, सबके लिए हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं थे फिर। और फिर बस एक दो दो दाने ही मैं इनके लिए निकाल पाई। और वैसे हमने सोचा नहीं था कि आज यहाँ पे रुक के, मतलब अचानक से ही हमने ट्रिप प्लान कर दिया ना, तो हम भी कपड़े कुछ और लेकर के आए नहीं थे, क्योंकि ऐसा था ही नहीं कि हमने रुकना है। तो इन्हीं कपड़ों में फिर कल का ट्रिप भी हमारा हुआ, और अभी भी बहुत बढ़िया क्या बोलते फंक्शन से आए हुए हैं। कड़ी है, फिर उसके बाद खट्टा है मीठा है, मदरा है, और हमारी छोटी भाभी ने आपके लिए चपातियां बनाई हैं गर्मा गर्म। तो आपको जो खाना है आप खाइए जनाब, आप बहुत चाव से खा सकते हैं। क्या खाना चाहेंगे? दाल खाना चाहेंगे? खट्टा खाना चाहेंगे? वो देखिए मेरे भाई साहब बढ़िया प्लेट में सर्व करके आ गए हैं। कैसे एक धागा लाओ भाई मंजू, इसके लिए और वाणी के लिए बन गया है गुब्बारा, छोटा सा धागा लाओ, और मेरी पानी के लिए चार सब्जियां बनी हुई है, जो भी आपको पसंद हो वो आप चूज कर सकते हैं। साथ में है सलाद, मिर्ची है, हरी मिर्च, नहीं तो खुद बांधो। और हमारे मिठू को जाना है घर। क्यों मिठू? घर चले जाना? मिठू का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है, ये बोल रहा है कि अभी के अभी चलो मामा, अभी के अभी चलो। अच्छा, आज होमवर्क की चिंता हो रही है मिठू को? बहुत चिंता हो रही है। कितना होमवर्क है? आज से पहले तो होमवर्क के बारे में इतना चिंता नहीं की थी। नहीं, ये स्कूल से आते ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर देता है ना, तो इससे बहुत चिंता हो रही है मिठू को। हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं पापा? लेकर के आए फिग, अंजीर, क्योंकि ये ना एलर्जी जिस बंदे को होती है, मुझे होती है ना एलर्जी, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट आइटम है। हाँ जी बताइए पापा जी, और ब्लड की कमी को भी अच्छा धोने के लिए। और पापा पेड़ से चढ़ के उतार के लेके आए हैं ना, ये देखिए। मैं गई थी ना कल लाने, तो मेरे से वहाँ पे मतलब खत्म हो गए थे, आज बड़े भारी हो गए थे, तो पापा ने याद रखा भाई वंदना गई थी लेकिन उसको मिले नहीं, तो पापा देखिए मेरे लिए स्पेशली पेड़ से तोड़ करके लेकर के आ गए। ऐसे होते हैं पापा, याद रखते हैं अपने बच्चों को, हर वो चीज देते हैं जो वो लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, और जो उनकी जरूरत की होती है। तो ये देखिए मतलब अब लीजिए जिसको खाना है, धो दिए ना। शानवी खाइए बेटा, शानू खा लो बेटा, वो देखो मैंने तेरे लिए ड्राई वाले अंजीर लेके आई हूँ। हाँ तो ये देखो असली है, सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं ये, इनमें होते हैं सारे पोषक तत्व, तो और एलर्जी भी नहीं होती। नहीं मीठी तू भी खा, हाँ उल्टी भी नहीं होगी जिसको, कोई सा भी खा लो उठा के। लिमिटेड गर्म हुए ना यो, गर्म नहीं होते, ये मगर आज लाल हो ना।